स्वागत है आपका आफ्रेस व्लॉग के अंदर। ये चैनल का इंट्रो आपसे मैं ही देने वाला हूँ। मैडम जी को इंट्रो देने आता नहीं है, क्या करें, इनका चैनल को पता नहीं इंट्रो क्या देना है। एनीवेज दोस्तों, आफ्रिन ने दो तीन दिन पहले अपने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, इंस्टाग्राम पर डाला था कि आप सवाल करिए और हम आपके सवालों का जवाब देंगे। ये इस चैनल का पहला क्वेश्चन आंसर सेशन है, हर महीने में एक बार आएगा। अब ये जिम्मेदारी सब आफ्रिन की, इसने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स निकाली, मतलब बहुत सवाल है आपके जो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। आयजा बहुत परेशान कर रही है, जैसे जैसे हमने सेटअप किया और माइक तो समझ लो इम्पॉसिबल होता है वीडियो के अंदर, अगर इसके नजर में ये आ गया वायर तो समझ लो ये पूरा उखाड़ देती है। और इस वीडियो के नीचे दोस्तों नेक्स्ट सेशन के लिए आप लगाइए #AskAfrin और जो चाहे वो सवाल कर सकते हैं, तो आपके सवालों का जवाब देंगे। वैसे बहुत मजा आ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों शुरू करें। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि सारे जो सवाल है वो मैं रीड करूंगा, आफ्रिन उनका जवाब देगी, हम दोनों मिलकर जवाब देंगे, क्योंकि आफ्रिन थोड़ा स्लो रीड करती है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं रीड करूंगा और आफ्रिन जवाब देगी, तो इससे थोड़ा वीडियो थोड़ा अच्छे से चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मोहित आनंद का, जो पूछ रहे हैं कभी आपकी और रोहित भाई की खतरनाक वाली लड़ाई हुई है, एक दूसरे को मनाने के लिए क्या करते हो? लड़ाई हुई है एक दो बार, खतरनाक वाली हुई है एक दो बार नहीं और हर मियां बीवी के बीच में होता है, इसमें तो कॉमन एक कॉमन चीज है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं मनाता। और मनाने के लिए कर लेते हैं, मैं मना ये कुछ नहीं, मैं कब नहीं मनाया, नहीं मनाते, अगर मैं रोटी होती उल्टा ये खुद रोट के बैठ जाते। अच्छा, मैंने कभी भी मनाया नहीं, नहीं अपनी मनाते। ठीक है, चलो ये सवाल स्किप करते हैं। यहाँ पर प्रशांत माने बोलते हैं कि आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज? आई थिंक लव मैरिज, ऐसा नहीं है यार, अभी शादी होने के बाद अगर हम एक दूसरे से प्यार कर रहे तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि लव मैरिज हुई है। अरेंज मैरिज हुई और फर्स्ट टाइम मैं आफ्रिन को स्टेज पर ही मिला था, ये भी मुझे स्टेज पर ही मिली थी और तब भी नहीं देख पाया था मैं इसे। ये क्वेश्चन हुआ है जो सबसे ज्यादा पूछा गया, अच्छा पूछा गया, नहीं सारे लोगों ने यही क्वेश्चन, लव मैरिज नहीं हमारी अरेंज मैरिज हुई। रुवेश भाई से पहले आपका कोई बॉयफ्रेंड था एंड आप लोग रहते कहाँ हो? मेरी तरफ से आपको रमजान मुबारक, आपको भी रमजान मुबारक। तो ये हंसी के पीछे कुछ तो राज है, कुछ है बताओ, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? नहीं नहीं पूछते भाई, सबकी अपनी मर्जी, अच्छा है कि बदतमीजी तो नहीं कर रहे लोग, सवाल तो पूछ रहे कम से कम, तुमने बोला सवाल करने के लिए, अच्छा चलो जवाब मिल गया। चलो कोई नहीं था। मैं समीर अदोनी पूछ रहे हैं, रोहित भाई के पास कितने फोन है एंड उसकी सैलरी कितनी है? मैम मेरी सैलरी, अच्छा उसकी सैलरी, अच्छा मेरी सैलरी और कितने फोन है मेरे पास, कितने फोन है? एक ही यूज करते हैं आप तो? एक ही यूज करते हैं। और उसकी हालत आप देख सकते हैं? ये मेरे, मैं पर्सनल यूज करता हूँ उस फोन की बात कर रहे हैं या मेरे पास कितने? मेरे पास तो ऐसे बहुत फोन है जो मुझे भी याद नहीं है, तो आप इनको क्या याद रहेगा। और सैलरी यहाँ पर मिस्टर तशन ने बोला है कि स्वीट आयजा आपकी बेटी के नाम की क्या मीनिंग है और घर में ये नाम किसने चूज किया? देखिए चूज तो मैंने किया और मीनिंग इसका मतलब है कि ऑनर्ड, कोई किसी को ऑनर्ड करते हैं ना, कोई बड़ा क्या बोलते हैं उसको, इज्जत वाली, मर्तबे वाली, इंग्लिश में समझ मतलब ये है। माइक खींच के निकाल रही है, हिंदी में बता दूं आपको, इज्जत वाली और मर्तबे वाली मतलब, तो ये उसका मतलब है। एनोनिमस बोलते हैं कि व्हाट इज योर मैरिज डेट? मेरे को याद है, मैं आप इनसे पूछता हूं। नहीं आप बताओ, मुझे याद है नवंबर, ये बताया अब तुम डेट बताओ, तुम बताओ, बताओ। अब सही बताया तो तुम्हें नहीं पता, क्यों मार रही है मुझे, वैसे हो वैसे है, तुम्हें नहीं पता, बताओ। नहीं मुझे पता है, बताओ बताओ, लड़की को सब पता होता है, बताओ। अच्छा लास्ट बता दो डेट का, खाली लास्ट वाला बताओ, आप लास्ट बताओ, मैं बता दूंगी, मैं लास्ट, तुमको नहीं पता है, आपको नहीं पता, हर चीज पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो One eternity later. क्या करना, बताओ बताओ ना यार, बता दो, बताओ बताओ, तुम बताओ। मैं लिख के रख दूं उधर बुक में, फिर तुम बताओ कि क्या है, बाद में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन सी डेट है शादी, बताओ। 24 नवंबर, हटो, ये हमेशा भूल जाती है लड़कियां, तो बड़ी प्यार करती है, हर शहर की डेट शादी का याद नहीं है इसे। बीडी क्रिएशन बोलते हैं कि फर्स्ट ट्रिप विथ रुवेश ब्रो, हमने कहीं गए नहीं बाहर, ये मुझे कहीं लेकर नहीं गए, लेकर नहीं गए हम, कहीं गए नहीं, और ये खुद गए, मैं गया तो ये कहाँ कहाँ गए, पेरिस गए, मलेशिया गए हैं, स्पेन गए हैं, चाइना गए हैं, ये पूरी दुनिया घूमे, लेकिन मुझे आज तक एक बार भी कहीं नहीं लेकर गए। ले जाऊंगा इंशाल्लाह। और योर मैरिज इज लव बोल दिया हमने। घर पे खाना कौन बनाता है? रुवेश भाई और मैं बनाता हूँ। मैं गिरीश राणे बोलते हैं कि आपके एरिया COVID-19 का पेशेंट है, तो आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम? मैं एक्चुअली थोड़ा घबरा गया था, मैं अपने लिए नहीं अपने फैमिली के लिए घबराया था, और ये सबसे ज्यादा घबरा गई थी, ये तो इतना घबरा गई थी कि जैसे पता चला तो घर में स्प्रे लेके लेकिन अब उनका नेगेटिव है तो हमें टेंशन नहीं है। अभिषेक गांगुली बोलते हैं कि मैडम आप और सर के अंदर झगड़ा हो तो एट फर्स्ट सॉरी कौन? मैं बोलता हूँ भाई, कभी सॉरी बोलते, सॉरी मैं बोलता, सॉरी बोलते, मैं सॉरी नहीं बोलता, लड़ाई होती है, लड़ाई करोगे।
और मैडम सनराइजर को लेकर कोलकाता घूमने आई है, बढ़िया जगह है, हाँ जरूर आएंगे, वो हावड़ा भी देखना मेरे को, जरूर आऊंगा मैं। संगीत विश्वास बोलते इतने बड़े बड़े सवाल पूछते हैं यार, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये कि आप बहुत दिनों पहले एक बिल्ली को अपने घर लाए थे और उसको दूध पिलाया था, वो बिल्ली थोड़ी जख्मी थी, अरे वो बहुत दिनों नहीं, एक दो साल पहले की बात है, मैं अपने चैनल पर उस वीडियो को डाला था, शादी से पहले की बात है, उसके बाद मैंने दूसरे तीसरे दिन उसे छोड़ दिया था, हाँ बस तो दो दिन ख्याल किया था मैंने, क्योंकि उस वक्त वो बहुत टेंशन में थी, वो गाड़ी के नीचे ना आ जाए डर लग रहा था, फिर मैंने उसको एक सेफ जगह पर रख दिया था। जावेद अख्तर अल्फाज निकल रहे मुंह से, टेक्नो सर ने आपके लिए कभी कोई कभी गाना गाया है क्या? गाना तो रोज गाता हूँ घर के अंदर रोज मस्ती होती है, रोज गाना गाते, कभी कभार डांस भी करता हूँ, वो ऐसा सीक्रेट स्टेप है जो आप वर्दे पद बोलते हैं कि आपको कभी लगा, मतलब ये आपके लिए सवाल है कि आपको कभी लगा कि आपको अपना YouTube स्टार्ट करना चाहिए, क्या रोहित बन आपको फोर्स तो नहीं किया ना कि आप भी चलाओ दोनों साइड से इनकम आएगी? पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे चैनल से बहुत सारी इनकम आ रही है। बोलो। मैंने खुद ही सोचा था कि मैं अपना चैनल स्टार्ट करूंगी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं आर्ट्स का चैनल स्टार्ट करूंगी, ब्लॉग के चैनल का आइडिया इनका था क्योंकि लोगों को आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता। लास्ट में आपने बोला दोनों साइड से इनकम है। आउटलॉग बायो बोलते हैं कि आयशा के कितने टीथ आ गए हैं? नंबर 4, 4 टीथ ऊपर के, देखो तो देखो देखो देखो, हम ज़ूम करते ज़ूम करते, चलो जाने दो जाने दो। हुमा राहत आपकी फ्रेंड हुमा अलीगढ़ वाली, और आपका निकनेम आपको कहाँ से मिला और किसने दिया ये भी बताइएगा, आपका निकनेम? मुझे किसी ने कोई निकनेम नहीं दिया अभी तक, मैं कभी भी आफरीन को अफू या अफा या कुछ बोलता हूँ, अम्मी अफू बोलती थी, बस अम्मी बोलती थी, मैं आपको बोलता तो चली जाती है, तो फायदा क्या मेरा बोलने नहीं। चलो जाने। ड्रोनजर गेमिंग बोलते हैं कि हाउ मच टाइम रोज ब्रो स्पेंड विद हिज फैमिली? घर में ही हूँ, घर का ही काम है तो घर में साथ में रहते हैं। नहीं लेकिन साथ में रहना और घर में रहना दोनों अलग चीज है। बाहर जाके काम करो ऑफिस में? नहीं वो बताओ ना कि मैं सुबह से इतने टाइम तक काम करता हूँ, मैं बोलो लड़ाई करवा दोगे तुम? रत्नम्मा आपकी फेवरेट हॉबी? के आर मेरी फेवरेट हॉबी है ड्राइंग करना और फिर कुकिंग करना, बस मेरी। अच्छा अगर मेरा नहीं पूछा तो मैं अपने भी बता दूं। थैंक यू। यहाँ पर सुहान खान बोलते हैं कि मैं सुहान खान, वाह 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 वाह, आपको और आपकी फैमिली को रमजान मुबारक, आपको भी मुबारक, आयशा बहुत क्यूट लगती है आपके व्लॉग में, और मैं हाँ मैंने रोहित आज तक आज रोहित को भी यही सेम सवाल पूछा है कि आप दोनों कब साथ में टेक्नोस में? इम्पॉसिबल, ग्लैमर इज नॉट अलाउड इन मैटिंग, सॉरी। आमदनी अमन, क्या बात है क्या बात है, रमजान मुबारक आपको भी। और इन्होंने पूछा है कि रोहित भाई का जो मोबाइल रिव्यू यूनिट मिलता है वो रिव्यू करके वापस भेज देते हैं कि रिव्यू मोबाइल को फिर अपने पास रखते हैं? देखिए मैंने अपने टेक्नोलॉजी वाले चैनल पर बताया था कि वो रखते भी दे भी देते, कुछ ये ले लेती है, वो वाला फोन तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो वाला एक ही मोबाइल है। बताओ पीछे क्या क्या चीजें पड़ी तुम्हारी, डुअल डिस्प्ले वाला फोन एलजी के अंदर पड़ा है, मैंने जब से दिया वो तब से ऐसी पड़ा है, यूज नहीं करती, कितनी बुरी बात है। डेविल गेमर बोलते हैं कि रमजान मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक। माय क्वेश्चन इज, आपको रोहित भाई की कौन सी आदत अच्छी लगती है? कोई भी नहीं होगी। आपने खुद ही बता दिया तो मैं क्या बताऊं? चलो बताओ। इनकी एक आदत, कुछ आदतें अच्छी हैं। बस बताओ। जब भी कभी बाहर जाते हैं और कुछ लेकर आते हैं तो दो तीन चीजें लेकर आते हैं कि पता नहीं आप इनको ये पसंद आएगा या ये पसंद आएगा, खाने की बात कर रही हूँ, तो वो अच्छी आदत है इनकी, मुझे कुछ कुछ पसंद आता है। कुछ आदतें बोलिए उसे बताइए, उसके लिए मतलब स्किप कर। यहाँ पर तनवीर बोलते हैं कि आप अपनी बेटी का नाम आयशा रखा, आपने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा तो कैसे पता चला इतना अच्छा नाम आपको? तो वो तो रैंडमली मैंने सर्च किया, फिर मैंने उसका मायने निकाला, नाम का मतलब निकाला, मुझे अच्छा लगा, पूछा आफरीन को, बोली आफरीन भी, बोली अच्छा नाम है तो हमने रख लिया। और मैंने ऑनेस्टली कहा तो लड़की का नाम सोचा, तो लड़के का हमने नहीं सोचा था क्योंकि मुझे लड़की की उम्मीद थी और आई लाइक बेबी गर्ल्स। तो इन्होंने बोला है मेरी बेटी हुई है तो आप एक अच्छा सा नाम बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर चाची जी। ठीक है आपकी बेटी हो रही है और आप इनको चाची जी बोल रहे हैं, 60 साल की बुढ़ी लग रही है, बोलो चाची जी, पूछ रहे हैं अच्छा नाम है क्या? नहीं चाचा जी ने रखा था तो चाचा जी बताएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बता था कमेंट करके, तनवीर जी आप एक बार कमेंट करिए, आपको रिप्लाई करते हैं। सिद्धार्थ राय जी बोलते हैं कि आपके पति आप रुहेश आपको कभी आउट ऑफ इंडिया घूमने के लिए लेके गए? अभी तो फिलहाल नहीं लेके गया, या फिर कोई फ्यूचर प्लानिंग है? फ्यूचर प्लानिंग, अच्छा फ्यूचर प्लानिंग क्या बता दूं, कहां दो साल से जो है फ्यूचर प्लानिंग चल रही है और तीसरा साल चल रहा है, अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं गए ना? अब लॉकडाउन है, तीन कंट्री हमने डिसाइड किया, लड़ाई करवा के मैं बोल रहा हूं, लड़ाई हो जाएगी, तीन कंट्री डिसाइड किए थे, एक मक्का शरीफ,
पहला वहां जाएंगे, फिर उसके बाद दुबई और तीसरा हम दोनों साल से लेके दुबई मतलब पेरेंट्स के साथ भी जाएंगे, और तीसरा हम सिर्फ दो ही लोग जाएंगे पेरिस, ये मैंने डिसाइड। और जब तीन साल से ये सब चल रहा था ना, तो ये बताओ आप कितनी कंट्री घूमकर आए अकेले? लेकिन मैं खुद से गया, लेकिन गए ना, कंपनी ले जाती गए ना। हाँ तो क्या मैं मना करूँ, काम होता है यार, काम के लिए इंसान को ट्रेवल करना पड़ता है। ये बीवी ऐसे क्यों थे पता नहीं। तोला सम्मा बोलते हैं कि व्हाट्स योर एंड रूएस क्वालिफिकेशन, बाय द वे योर हस्बैंड गॉट ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, यू आर अ ग्रेट प्रैंकस्टर। मेरी क्वालिफिकेशन है एमए पार्ट वन, पार्ट टू नहीं किया मैं, एक मिनट ड्रॉप हो गया था, अगर मैं कर देता तो मेरा पूरा एमए हो जाता इसका। मैंने पहले डिजाइनिंग की थी। हाँ फिर आगे चलो, जब मैं बीए कर रही थी तो मैं मेरी शादी हो गई थी, और फिर हम यहाँ एडमिशन लेने वाले थे, लेकिन यहाँ पर यहाँ की जो कॉलेज है यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश और मराठी चलती है। हाँ, कंपलसरी। तो मराठी मुझे आती नहीं है और इंग्लिश मीडियम से मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं पहले आपको आज क्लियर कर दूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं मुलगी का मतलब लड़की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिर एडमिशन नहीं लिया और फिर आयजा आ गई। तो चलो, संस्कार जैन बोलते हैं कि व्हाट इज रुएस सर एंड आफरीन मैम्स होम टाउन। मेरा तो आम छे मुंबई यार, हम तो मुंबई का है, अलीगढ़ से। बहुत अच्छी जगह है, स्पेशली यूनिवर्सिटी मुझे काफी अच्छी लगी, और मुझे अलीगढ़ में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है कि वहां पर अच्छी बात है कि ज्यादा घूमने की जगह नहीं है वहाँ पर, सिर्फ लोग सीधा अपने काम से कम रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, और खाना पीना मुझे वहाँ का बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जब मैं जाता हूँ तो मेरे जो साले साहब तालीब धपा धप ले जाते हैं, मुझे रोज रात में लेके जाते हैं, क्या क्या नई नई चीजें खिलाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, खाने का मैं बहुत शौकीन हूँ। अभिषेक कौशिक जी बोलते हैं कि आप और रुएस भैया में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? मुझे आ जाता है, गुस्सा दिला दे तो क्या करूँगा। मनियार ऑनलाइन बोलते हैं कि बहुत सारे सवाल है, मैडम हाउ मेनी अर्न मनी फ्रॉम योर चैनल, बताते कितना पैसा भी जमा हुआ? थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना, आपने इतना पैसा जमा हुआ? $20 हजार रुपए, बहुत मुश्किल है भाई YouTube में पैसे कमाना, और एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी हमारे आ जाते हैं भाई, चल जाते हैं। सोचो कितने सारे व्यूज आते हैं, अच्छे खासे मतलब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन पैसे देख सोचो कितने हैं। दीपक कुमार बोलता है कि माय फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भाई भाई को यार आज भी पूछते रहिए तो मना कर रहे हैं कि YouTube चैनल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? एंड थैंक्स, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, यू हैव टू बी पेशेंस, टैलेंट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है सब्र होना चाहिए, सबसे पहले तो वही बोला मैंने, और सब कंसिस्टेंसी बनाना, क्या करना है वो सोचना, जिसमें नॉलेज है वही काम करना, और बैठे रहना हो जाएगा यार, घर बैठे बैठे काम करना और पैसे भी कमाना है तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करना है, क्योंकि फिर फ्यूचर में अगर सक्सेस होंगे ना तो कहीं जाना ही नहीं, घर बैठ के पैसे मिलेंगे। ठीक है, अथर रहमान जी बोलते हैं कि आप दोनों का लास्ट रमजान में कितने रोजे छूट गए थे? मेरे छूटे थे क्योंकि मैं ट्रेवल किया था, चाइना गया था मैं, हाँ शायद मेरे छूटे थे, सीरियसली मेरे चार पांच, हाँ मैं गया था चाइना, तो मेरे छूटे थे, मैं रियलमी के इवेंट में गया था। थी और रुएस भाई डेली कितने नमाज पढ़ते हैं? अभी रमजान में तो मेरा कल पूरा पांच वक्त की नमाज हुई, और आज भी हुई, अभी थोड़ा ईशा बाकी। रुएस भाई का फोन नंबर दे दो, फोन नंबर है, लिखो आप तो बताओ भाई कितने रोजे हुए थे लास्ट? मेरे शायद एक भी नहीं हुए थे, क्योंकि मेरी दवाई चल रही थी तो मुझे डॉक्टर ने ही मना किया था रोजे रखने के। ठीक है, रूपा भौमिक जी ने बोला कि टेक्नो रुएस का इतना गुस्सा क्यों है? पता नहीं, अरे मैं कहां गुस्सा करता हूं, कौन बोला मैं गुस्सा करता हूं, फिर कैसे बोल रहे हो? अच्छा, क्यों गुस्सा, किस बात का गुस्सा? देखो अभी भी गुस्सा आ रहा है, अभी नॉर्मल बात करो तो भी बोलते गुस्सा आ रहा है, तो क्यों गुस्सा होता है मुझे पता नहीं, मुझे आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो ये लोग लड़ाई करवा के रहेंगे, मैं क्या करता गुस्सा होता तो मैं थप्पड़ मारता हूं। आगे बोल लो, अभी अभी ना बनना, क्या रुएस भाई किसी चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं? अगर है तो क्या चीज है? देखिए, डर तो हर इंसान को होता है कि अपनी फैमिली जो उनके सबसे क्लोज होती है उनको खोने का डर होता है, तो सबको होता है, ये मुझे भी है, सबको है, हर मजबूत और हर बोलते ना ताकतवर आदमी को ये डर होता है। और आइजा इज द क्यूटेस्ट बेबी आई हैव एवर सीन, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम रजा बोलते हैं कि विच वॉज योर फेवरेट ईयर? 2020 से पहले के जितने भी थे जनवरी से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ, चाइना ने कंट्रोल कर लिया अपने आपको, और उसके बाद देखो पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरा थी, इंडिया की उसके साथ सबसे ज्यादा अमेरिका गिर गया, एक बात है इटली तो बर्बाद हो गया, तो ये पूरी प्लानिंग हुई है, पता नहीं क्या हुई कि 2020 की शुरुआत से 2020 पूरा खराब हो गया, तो अल्लाह से दुआ करिए कि ऐसा वापस ना हो कभी। उमर खान बोलते हैं कि आप रुएस भाई के साथ उनकी वीडियो बनाने में हेल्प करती है? आइडियाज दे देती कभी कभार, बाकी तो बाकी सब पूरा काम मेरा ही है। अफजल गौर बोलते हैं कि आपकी लाइफ का मोस्ट ब्यूटीफुल और वर्स्ट मोमेंट आपको पूछ रहे हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट था जब आयजा आई थी, और वर्स्ट मोमेंट था जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था।
डार्क नाइट बोलते हैं कि आपने आपके डर को ओवरकम कैसे किया कैमरे के सामने आने के लिए और अपने चैनल का। पहले तो मेरे सामने नहीं आती थी, नई नई शादी हुई तो मुझे, मैं जरा भी देखूं तो खुद घूम जाती थी मतलब, और अब तो वीडियो बना के ये हेलो गाइस हेलो फ्रेंड्स चलो क्यों किया ओवरकम। ऐसे ही धीरे धीरे करो तो हो जाता है, क्या बोलूं इसके बारे में। दिस इज द आंसर, ये मुझे बहुत लेक्चर देते हैं, आदत हो जाता है। हां बहुत समझाता हूं इसे, आयस हो गई है, क्या बात है। अमित जंगिरी बोलते हैं कि मैं इतनी खुशी हो रही है, आयस हो गया। अमित जंगिरी बोलते हैं कि क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है। होगा, टेस्ट नहीं किया मैंने, लेकिन मीठा मीठा मेरा तो आपकी अरे एक ही है। अनुप देवराजन जी बोलते हैं व्हाट इज द वन थिंग दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ व्हिच यू हैवंट टोल्ड रोहित भाई। अपना चमन इज बेटर और मुंबई, अपने को अपनी जगह चमन तो अपना ही चमन होता है। मैं भी मुंबई जाऊंगा, मैं अलीगढ़ जाता हूँ, अलीगढ़ अच्छा लगता है खाना पीना सब, ठंडी वहाँ की क्लाइमेट मेरे को स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। मुंबई है यार, सीधी बात। टेक्निकल रॉकस्टार बोलते हैं कि मैम आपके साथ आपके ससुर एंड सासू जी क्यों नहीं रहते। आई एम बिग फैन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत आया है, सब लोगों को लग रहा है कि हम लोग अलग रहते हैं तो कुछ बुरी बात है मतलब। मेरे मम्मी डैडी वो घर छोड़ना ही नहीं चाहते, काफी साल से उस घर में रह रहे हैं, तो जो बुजुर्ग होते हैं हमारे जो अपने पुरानी जगह नहीं छोड़ना चाहते। अभी ये हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, ये भी घर शिफ्ट कर रहे हैं और मेरे मम्मी डैडी भी शिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग एक बिल्डिंग में जा रहे हैं वहाँ पर एक साथ ही रहेंगे सर। वो क्या मेरे भाई भी मेरे साथ में आएंगे, तो मेरे भाई की भी फैमिली है, सब एक साथ ही रहने वाले। गिरीश लड़े जी बोलते हैं कि आपको रोहित भाई का मोबाइल का बहुत इजी पासवर्ड है, सबको पता है इनकी। आपको बताऊं मैं क्या है? एल बना दो, मैं से एल सिंपल था। क्यों? कभी भी इनके बहुत सारे फोन आते रिव्यू करने के लिए तो ज्यादा टाइम नहीं होता, तो स्क्रीनशॉट। और आपको रोहित भाई पासवर्ड बताते हैं क्या? पता है मुझे, सिर्फ वो मोबाइल का पासवर्ड पता है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब बता के करेंगे, करूंगा क्या मैं? तुम्हारे कोई चैनल का किसी चीज का मुझे पासवर्ड पता है? खाली यूट्यूब के अलावा छोड़ के और क्या है मेरा? खुद पासवर्ड भूल जाती हूँ, क्या बताएंगे? यूट्यूब का इनको पासवर्ड भूल जाती हो तुम तो याद रखना पड़ता है, गए लड़ाई हो जाएगी। बोल रहा हूँ सागर बिस्तर से, मतलब रोहित भाई की कोई जीएफ थी क्या? मेरी कोई जीएफ नहीं थी। क्या यार, यहाँ पर 1330279 भाई मोबाइल नंबर अलाउड नहीं है। आपका और रोहित भाई का फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? मेरा कोई फेवरेट, मुझे आमिर खान की मूवीज अच्छी लगती है और एक्ट्रेस मुझे नहीं, मतलब कोई क्या है यार, नहीं पसंद आपको? ऐसे तो बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन अभी मैं किनमें से किसको सेलेक्ट करूँ? सब ठीक है तुम्हारा? इनको आलिया भट्ट बहुत पसंद है। आलिया भट्ट और जन्नत जुबैर। जन्नत जुबैर कहाँ से आ गई? ये दो इनकी फेवरेट है। नहीं पसंद मुझे, पसंद है नहीं पसंद। और आमिर खान बस, आमिर खान की मूवीज मुझे अच्छी लगती है, उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है। और आलिया भट्ट मुझे कौन पसंद है अभी यार? ये तो क्या एक्टिंग है यार, तो कुछ पता ही नहीं लाइफ में क्या चल रहा है। वो भी देखती हूँ, मुझे वो एक्टर अच्छा लगने लगता है। चलो भाई स्किप स्किप चल रहा। न्यू वर्ल्ड रूल बोलते हैं कि टेल मी इन वन वर्ड अबाउट रोहित भाई एंड स्टे होम स्टे सेफ। अबे यार ये तो क्या हर बात हंस रही है, बोलो एक वर्ड में आपको कैसे बता सकती हूँ? जो तुम्हें ठीक लगे, चपड़गंज जो चिरकुट जो तुम बोल सकती हो, गुस्से वाला वही मेरे दिमाग में आता है, एग्रेसिव। क्या बोला? नेगेटिव चीज निकलेगी बात। निहार रंजन दश डैश पता नहीं आइजक का आपका और रोहित भाई का बर्थडे 23 दिसंबर 7 जून 17 जून माँ है, माँ की बच्चे का बर्थडे भी आती है। आप ये नहीं डालेंगे शूज पे मुझे। केशव कुमार जी बताएगी आपकी एज कितनी है, प्लीज मेरा कमेंट लीजिए। मैं मेरी एज नहीं, तुम्हारा चैनल है, तुम्हारा सवाल है, मैं तो खाली रीड कर रहा हूँ बैठ के। कितनी बताऊ? मैं 30-31 का, 31 का, 31 का, तो ये अपना नहीं बता सकती, क्या प्रॉब्लम क्या लड़कियों को वजन और एज छुपाने में? बोलो यार, कोई कुछ बोल रहा है क्या? अखबार में छप रहा है क्या? अरे मेरी है 23 क्योंकि 2020 शुरू हो गया है। क्या पोलाइट ना। मिस्टर हैकर बोलते हैं कि आप और रोज भाई का भाई टोटल रोजा रखोगे? इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है भाई, मैं पूरे रोजा रखेंगे। दूसरे रोजे में तो हालत खराब होगी। हाँ थोड़ा, ये क्या पूरा दिन अभी सब बनाती है इफ्तारी वगैरह, तो इसके तो हालत और खराब हो जाती है। विकी सेवा बोलते सेवा अच्छा भाभी जी आपके नाम का मतलब क्या है? आफरीन। आफरीन का मेरे को जहाँ तक लगता है वो खूबसूरती ना, ऐसा कुछ बोलते ना जब हम किसी की तारीफ करते हैं। के तारीफ जब किसी की तारीफ, मतलब बहुत अच्छा, तारीफ के लायक।
ये तो दोस्तों आपके सवाल हमारे जवाब, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और ये फर्स्ट सेशन था हमारा, तो जो भी अगर मिस्टेक होता है, जैसा भी होता है, भूल चूक माफ करना, वीडियो को लाइक करना, और नेक्स्ट सेशन के लिए जो हर महीने में एक बार आएगा उसके लिए इस वीडियो के नीचे #AskAfrin लगाइए और जो चाहे आप सवाल कर सकते हैं, ऐसे सवाल करिए, बहुत सारे सवाल, लड़ाई भी होगी। चलो जाते हैं हम लोग। अरे ये बोल दो, बहुत सारे सवाल थे।